1991 से इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और ये पहले चिदानंद मुनि जी और सरकार मिलकर किया करते थे, लेकिन 2012 पहली बार सरकार ने ऑन योगा अपने स्तर पर इसका आयोजन किया, और तब से लगातार सरकार करती आ रही है, क्योंकि योगा आज समय की आवश्यकता है। जिस तरह से मनुष्य तनाव भरा जीवन जी रहा है, ऐसे तनाव भरे जीवन में उसके मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के लिए जरूरी है कि वो योगा के माध्यम से स्वयं को मानसिक और शारीरिक से स्वस्थ रखे। और सबसे बड़ा योगा का दूसरा पक्ष ये है कि योगा आदमी के अंदर पॉजिटिविटी लाता है, और आज जिस तरह से दुनिया में होड़ बढ़ती जा रही है आगे निकलने की, ऐसे में आज सकारात्मक सोच की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो जो आप जैसे स्वामी जी ने यहाँ पर कहा, निसंदेह योगा के दो रूप हैं, एक योगियों के लिए है जो हमें स्वामी संत समाज के लोग हैं जो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम उनका योगा है, और दूसरा आम आदमी के लिए जो वहाँ पर हम हैं कि हम किस तरह मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ दुनिया को जोड़ने का काम करें। जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने योगा के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत करके पूरे देश को पूरी दुनिया से जोड़ने का काम किया योगा के माध्यम से, तो आज उसी कड़ी पे एक कमी आज जरूर रही कोरोना महामारी के कारण। इस बार जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह इसका नाम था, इसमें तमाम विदेश के लोग आया करते थे, लेकिन सारी ओवरसीज फ्लाइट्स बंद हैं आप जानते हैं, उस कारण हमारे विदेशी जो लोग नहीं आ पाए, लेकिन उसके बावजूद योगा क्योंकि हमारे लिए ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ है, रोजी रोटी से जुड़ा है कि हमारे प्रदेश के लाखों लोग योगा के माध्यम से दुनिया में योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में दुनिया को योग सिखाने का काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो योगा हमारे लिए रोजगार का साधन भी है, और ये जिस तरह आपने देखा कि हमारी ये ऋषिकेश है, मुनिकीर्ति है, तपोवन है, स्वर्गाश्रम है, यथो नाम तथो भूमि, ऋषि मुनियों की तपस्वियों की भूमि रही है, यहीं से योगा की शुरुआत भी है, योगा की जननी है, और उस योगा को बनाए रखने की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इस क्षेत्र के लोगों की है कि वो जो योगा का कंसेप्ट पूरी दुनिया को यहाँ से गया वो और मजबूती के साथ दुनिया में स्थापित हो, और लोग स्वस्थ रहें, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें, और भारत की जो विश्वगुरु की एक जो इमेज है वो बनी रहे।